उल्लासनगर के पूर्व विधायक पप्पू कलानी के जन्मदिन पर तनिष्का फाउंडेशन और डिवाइन केयर फाउंडेशन ने मिलकर तनिष्का फाउंडेशन चैरिटेबल क्लिनिक की स्थापना की, जिसका उद्घाटन पप्पू कलानी के हाथों संपन्न हुआ। आइए देखते हैं पूरी खबर। आदरणीय और गौर गरीबों के नेता पप्पू कलानी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के महासचिव आनंद शिंदे जी और उपाध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विजय यादव जी, इनके प्रयत्नों से आज यहाँ पर एक क्लिनिक खोलकर और अच्छे से अच्छी आरोग्य की सेवा देने के लिए आज़ाद नगर में इसके उद्घाटन आदरणीय पप्पू कलानी जी की तरफ से किया गया। और यहाँ पर मनोज लासी जी, संतोष पांडे, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नरेश दुर्गानी जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित रहे। और आज मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है कि पप्पू कलानी का एक सपना है, उस सपने को हम साकार करने जा रहे हैं। और साकार करते हुए कि आज यहाँ पर क्लिनिक खोलकर लोगों के ऑपरेशन, जो झोपड़पट्टी के हमारे स्लम क्षेत्रों के लोग हैं वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर दवाइयों से कम, मैं कहूँगा कि दवाइयों का बोझ इतना आ जाता है कि लोग बीमारियों से कम और दवाइयों से मर जाते हैं। उसके लिए आनंद शिंदे और ब्रिजेश श्रीवास्तव ने अथल प्रयास किए। आज उस क्लिनिक के ओपनिंग के लिए, हॉस्पिटल के एक छोटे से हॉस्पिटल के ओपनिंग के लिए पप्पू कलानी जी यहाँ पर आए हैं। पर जाते जाते यही कहूँगा कि आने वाले मनपा चुनाव के बाद जैसे ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पंचम कलानी महापौर बनेगी तो पप्पू कलानी का सपना है वो हम पूरा करेंगे। दिल्ली के तर्ज पर उल्लासनगर में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे हर वार्ड हर क्षेत्र में। जो केजरीवाल ने वहाँ पर किया वो पप्पू कलानी उल्लासनगर में करेंगे। आप सभी लोगों को मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि पंचम कलानी महापौर बनते ही छोटे छोटे स्लम क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर क्लिनिक, वहाँ पर हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर पप्पू कलानी के सपने को साकार करेंगे कि उल्लासनगर के नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी पढ़ाई देने का अगला मिशन जो है पप्पू कलानी का, उसके ऊपर हम सभी नगर से काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके सपने को हम साकार करेंगे। उल्लासनगर के उत्तर प्रदेश आज़ाद नगर में यहाँ पर काफ़ी पुराने समाज सेवी शांताराम शिंदे जी, जिनका सपना था कि इस क्षेत्र में, विशेष आज़ाद नगर, शास्त्री नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर सस्ता उपचार मिले, देर रात को 24 घंटे उपचार मिले और लोगों को बड़ी बड़ी अस्पतालों में डॉक्टरों के पास भटकना न पड़े। तो आज तनिष्का फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और डिवाइन केयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर हमारे महासचिव आनंद शिंदे जी ने उस चीज़ को, उस सपने को पूरा किया है। विशेष तौर आज़ाद नगर, शास्त्री नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, वडार कॉलोनी, खेमानी क्षेत्र, 2 नंबर OT, जितना भी क्षेत्र है, करीब करीब 1 लाख की आबादी इस क्षेत्र में रहती है और उनके लिए ऐसी एक चैरिटेबल क्लिनिक की बहुत समय से मांग थी, उसे आनंद शिंदे जी ने साकार किया है। आज इनसे प्रेरणा लेने का दिन है क्योंकि इन्होंने अपने कार्यालय को, राजनीतिक जो कार्यालय था इनका, उनको बंद करके यहाँ पे चिकित्सालय खोला है और सही मानों में देश को और उल्लासनगर को आज कार्यालयों की नहीं, चिकित्सालय और इस विद्यालयों की ज़रूरत है। तो आनंद शिंदे जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। मेरे मित्र कमलेश निकंजी ने बताया आपको कि भविष्य में भी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर इस तरह की चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे आप देखेंगे लासी चैरिटेबल ट्रस्ट के पिछले 10 सालों से इस शहर में 5 क्लिनिक चल रहे हैं और पूरी तरह से लोगों को कार्यरत है, तो उसी तर्ज पर आगे चलकर NGO के साथ मिलकर, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर इस तरह के क्लिनिक खुलेंगे, जिसका आज शुरुआत शिंदे साहब ने आजाद नगर इस क्षेत्र से कर दिए। जे काही आमचे ट्रस्टच्या हिशोबाने रजिस्टर्ड ट्रस्ट आहे त्या रेटने आम्ही लोक सगळ्यांना आपला सेवा देणार आहे आणि कमीत कमी चार्जेस त्याच्यात सगळा इलाज, लॅबोरेटरी, एक्सरे, ECG सगळ्यात स्वस्त, किंवा ज्याच्याजवळ काही नाही आहे त्याच्याकडे आम्ही पैसे मागणारच नाही, त्याला फ्री सर्व्हिस देऊ सर। धन्यवाद। आज आदरणीय पप्पू कलानी सरांच्या आशीर्वादाने हे क्लिनिक जे सुरू झालेलं आहे त्यासाठी मी सर्व उल्हासनगरच्या शहरवासियांना एक अभिनंदन करतो सगळ्यांचं की इतका चांगला उपक्रम त्यांनी राबवलेला आहे। यासाठी मी शासकीय डॉक्टर असल्यामुळे सेंट्रल हॉस्पिटलतर्फे काही जरी मदत लागली तर मी पूर्णपणे त्यांना मदत करेन, एवढीच अपेक्षा करतो। थँक्यू, धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।